आतिशी मुख्यमंत्री होंगे रोमाना, ये जानकारी सामने निकल कर आ गई है। जैसे एबीपी न्यूज ने दो दिन पहले ये जानकारी दे दी थी कि आतिशी ही मुख्यमंत्री बन सकती है, उसकी पुख्ता तौर पर जानकारी सामने आ गई है कि अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होने जा रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ऐलान भी हो जाएगा जब यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और ऐलान करेंगे। लेकिन जिस तरीके की बात अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर भी रहे थे कि पीएसी की बैठक हुई, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक हुई, उस बैठक में तमाम मेंबर्स ने एक ही नाम आगे किया, वो नाम था आतिशी का, और आतिशी के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने भी मुहर लगाई। अभी थोड़ी देर पहले जब विधायक दल की बैठक हुई, उसमें जो चीफ व्हिप हैं दिल्ली विधानसभा में दिलीप पांडे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आतिशी को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उस पर सभी विधायकों ने एक सुर में एक मत से हामी भरी है और अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी बहुत जल्द शपथ लेंगी। और आज उन्हीं के नाम का जो पत्र है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल पहुंचाएंगे उपराज्यपाल के पास। तो ये हलचल आप तेज होते हुए देख रहे हैं। और जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही थी, उसी दिन ये खबर बताई थी कि आतिशी ही दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पर उन्हीं का नाम चल रहा है। सहयोगी दीपक रावत ने सबसे पहले ये जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई है। दीपक रावत की खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी। आतिशी के नाम पर औपचारिक तौर पर विधायक दल की बैठक में लगी मोहर। दीपक रावत ने बताया विधायक दल की बैठक में पार्टी के चीफ व्हिप जो है दिलीप पांडे, उनकी तरफ से आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और तमाम विधायकों ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा था दिल्ली में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे आतिशी बनी हुई है और लीजिए आतिशी ही होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव आज विधायक दल की बैठक में दिलीप पांडे की तरफ से रखा गया, जिस पर तमाम विधायकों ने अपनी सहमति दे दी है और बस अब चंद मिनटों का इंतजार, जिसके बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के आवास पर ये विधायक दल की बैठक और इस समय उन्हीं के आवास के बाहर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पोडियम मतलब वो मंच लगाया जा रहा है जहां से ऐलान किया जाएगा दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी। कालकाजी से विधायक हैं, इस समय 14 मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा रही हैं आतिशी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आतिशी ने पढ़ाई की है और सबसे बड़ी काबिलियत आज की तारीख में आतिशी ये है कि सबसे भरोसेमंद है वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक का नाम है। सबकी भरोसेमंद आतिशी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है औपचारिक तौर पर। दीपक, लग चुकी है अरविंद केजरीवाल इस वक्त तमाम विधायकों को संबोधित कर रहे हैं, यह भीतर से जानकारी मिल रही है। अरविंद केजरीवाल हैं कि अब अगले 4 महीने कैसे आतिशी के नेतृत्व में काम करना है, क्या काम रुका हुआ है। 26-27 को जिस तरीके से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, उसमें कुछ चीजें की घोषणा की जाएगी। जिस तरीके से मैं पहले भी बता रहा था कि 1000 रुपए महिलाओं को देना है हर महीने 18 साल से ज्यादा उम्र की, ये बजट में पास हो चुका है, कैबिनेट में पास किया जाना था लेकिन तब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, कैबिनेट नहीं हो पाई। लेकिन अब जब नई मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी, विधानसभा में भी बात रखी जाएगी और 1000 रुपए देने की कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। और इसी बड़ी घोषणा के साथ अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा जो आम आदमी पार्टी है वो मैदान में उतरेगी और अपनी जिस तरीके की ईमानदारी की बात वो करते हैं कि मैंने जो सरकार चलाई, जो काम किया, जो पैसा था, जो पैसा लोगों को मिलता है, लोगों का हमको मिलता है टैक्स के तौर पर, हम लोगों को देना चाहते हैं, वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी। इसीलिए हम कह रहे थे कि आतिशी जो कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा विभागों को संभाल रही है और अरविंद केजरीवाल ने जब भी जिस विभाग में कुछ पेच फंसते हुए नजर आए तो अरविंद केजरीवाल ने विभाग तुरंत आतिशी को सौंप दिया था, यानी कि सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि आतिशी बहुत काबिल हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि जब वो मंत्री नहीं भी थी, सिर्फ विधायक थी, तब भी वो मनीष सिसोदिया जो तब डिप्टी सीएम हुआ करते थे उनके एडवाइजर के तौर पर शिक्षा विभाग में काम करती थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी, पढ़ी लिखी हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, काफी नॉलेज है उनको, ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार आतिशी थी। और एबीपी न्यूज ने जब ये जानकारी दी तब भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल के मन में भी कुछ ऐसा ही है, तमाम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, बाहर नहीं थे, तो उस वक्त आतिशी ने भी बहुत अच्छे से सभी चीजों को हैंडल करने की कोशिश की, एलजी के साथ तमाम विवाद रहे, बावजूद उसके आतिशी ने काफी कुछ काम किया है, इसलिए कल पीएसी की बैठक में आतिशी का नाम सुझाया गया। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे थे दीपक, 26 और 27 सितंबर को जो दिल्ली विधानसभा है उसका सत्र बुलाने की भी तैयारी है, ऐसे में शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कब तक ले सकती है आतिशी, इसको लेकर क्या तैयारी।
देखिए आज 4:30 बजे का जो टाइम दिया गया है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल जब मांगा था उपराज्यपाल से वो दिया गया है, लेकिन कल ही ये साफ हो गया था। कल भी ये भी खबर एबीपी न्यूज ने पहले ही दर्शकों को बता दी थी कि मुख्यमंत्री अपने साथ एक चिट्ठी नहीं बल्कि 2 चिट्ठी लेकर जाएंगे। एक चिट्ठी अपने इस्तीफे की, दूसरी चिट्ठी नए नाम की। यानी कि आज ही वो उपराज्यपाल से ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री का नया चेहरा आतिशी होंगी। इसको विधायक दल की बैठक में पास कर दिया गया, प्रस्ताव पास हो चुका है। आप हमें समय बताइए कि कब आप शपथ दिलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सीधा तौर पर ये चाहते हैं कि आज या कल में ही आप शपथ करवा दीजिए, ज्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द सरकार के जो रुके हुए काम हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो पूरी की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल की और पूरी कैबिनेट की ये होगी उपराज्यपाल पर इस बात का दबाव डाला जा सके कि वो शपथ जल्द से जल्द कराएं, वो उसके लिए तैयार हैं। और शपथ के साथ हो सकता है कि 2 नए मंत्री भी शपथ लें, कैबिनेट में शामिल होंगे, कि 2 मंत्रियों की जगह खाली है, तो इस बात की सूचना भी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगी।